बोले जयकारा बोले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो शुक्ल निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे सचिव सरकार की जय। आज हम 110वां श्री साहब समारोह इस विश्व की सबसे पवित्र धरा पर एकत्र होकर के मालिक दो जहां श्री सात प्रभु का मुकद्दस जन्मोत्सव मना रहे हैं, सभी को इस मुबारक दिवस की लाख लाख बधाई। और सभी दर्शक जो हैं संगत दूर दराज से यहां आई हैं, और साथ ही जो इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सबका धन्यवाद है। और मुबारक घड़ियाँ हैं, ये अपनी पल हैं, और ऐसे अनमोल ये जीवन के वो दिन हैं जो एक यादगार बनकर रह जाते हैं हमारे जीवन में। और ऐसा सुपर और प्रेम भरा जो पूरे विश्व में तकरीबन लॉकडाउन है और सामाजिक अनुशासन दूरी का पालन करते हुए सारे नियमों का यहाँ संगठन हुई है। और ये कार्यक्रम की दिवसीय अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ इस स्वामी जी महाराज के पंद्रह साथों से। तो मैं प्रकट करने जा रहा हूँ श्री सुधीर जी से कि आप हजूर गुरुदेव श्री साथ प्रभु जी की महानता में उनके रूप में और उनके मर्तबे को देख करके ऐसा गीत प्रस्तुत करें कि आप फिर वही गाने जो मंगला वाली में हुई थी सन 1910 में वो ताजा हो जाए। आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमारा कार्यक्रम प्रस्तुत करें श्री सदीप। और सभी समय से मेरा अनुरोध है कृपया आप अनुशासन के साथ जो है बैठे श्री सदीप। विश्व का साहित्य सारा यहाँ पर उपलब्ध है, ऐसे ग्रंथ अनमोल यहाँ पर सभी प्रकार के वैराग्य या दीक्षा गुड़ सत्संग रूहानियत के रहस्य भरे ये अमूल ग्रंथ यहाँ उपलब्ध है। सभी संगत के श्रोताओं का मेरा अनुरोध है सबसे पहले ये ग्रंथ आप मन से हाथ पर अवश्य लें। इनका संपादन भी हमारे प्रमुख पूज्य धर्मानंद जी महाराज ने किया है, तो अवश्य ये सुंदर भेंट लेकर के जाए। आपको याद कर देगा कि पुलिस तीर्थ में आए थे और पावन ग्रंथों को हमने यहाँ से श्री सुनील देखो जितनी संगत बैठी जयकारा जरूर लगाओ जी सारे जितनी भी संगत बैठी दोनों तक जन्मदिन मना रहे गुरु महाराज जी का साल महाराज जी का ब्याह भी आई है दोनों खुशियां कि मना रहे हैं जिन्हों तक अज इस प्रोग्राम की खुशी है महाराज जी ने जन्मदिन की और सारे उठ के अपनी अपनी जगह से डांस करोगे नच टप के मनाना गुरु महाराज ठीक है आओ जी Oh
स्वामी धर्मानंद जी महाराज को
श्री अमृत प्रयोजन समय का सौभाग्य प्राप्त होगा। उससे पूर्व मेरी प्रार्थना भाई सुधीर जी से है, यह कार्यक्रम आरंभ करें। तेरा नाम प्रतीक मानता तेरा नाम
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਮਗੜ੍ਹ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਹੈ ਵਹਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗੇ ਆਈਏ सभी संगत एक बार बड़े प्रेम करुणा से चला गया अनुरोध करें कृपया ध्यान दें सभी संगत प्रेम से और उल्लास के साथ कृपया जय अनुरोध करें बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय अब की कम बढ़ती मिली बोलो जयकारा बोल मेरे दो शब्द हैं जो सतगुरु के चरणों में मैं अर्पित करना चाहती हूँ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया हमको
ये थे हमारे श्री गुरु महाराज के अनन्य टीकमगढ़ के प्रेमी, बहुत ही श्रद्धा भाव उन्होंने हजूर के चरणों में अपना प्यार का जज्बा रखा। आप प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम पूज्य परम श्रद्धे संत शब्दनाथ जी से कि आप भी इस मुबारक दिवस की घड़ी में अपने बाबा दुबार भजन के प्रश्न के रूप में रखें। परम पूज्य परम श्रद्धे संत शब्दनाथ जी और सभी संत से जो अनुरोध है कि आप सभी जो मिशन का साहित्य है उसको अवश्य आप जो विभिन्न ग्रंथों के रूप में संकलित है वो आपके समक्ष आप अवश्य उसको जाएं, ऐसे आपके चरणों में कभी होती है। और प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम पूज्य परम श्रद्धे संत शब्दनाथ जी से और सभी संगत कृपया एक काम से उनका निवेदन आश्रम करें। मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सब गुरु महाराज जी के चरणों में सार प्रभु जी का अवतरण दिवस मनाने के लिए आए हो, और देखा जाए तो इससे और बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि गुरु महाराज जी ने हमें नंगली में बुलाया, अपना दर्शन कराया, तो सब ने ताली भी बजानी है और भजन भी साथ में बोलना है। तेरे दर पे आते हैं आते रहेंगे, तेरे दर पे
याद तेरी आई तड़पता है ये मन उड़ के चली
बनाया दास जन दासी तो जाए बलिहार।
हेलो Thank you.
लेकिन है तो बहुत पुराना, शायद बुल्ले शाह की कहीं काफियों में से लिया गया है। तो बुल्ले शाह तो इतना खुददार था, वो अपने महबूब को कहता था कि तू शुक्र कर खुदाया, तुझे मैं खुदा बनाया। बुल्ले शाह कहता है तू शुक्र कर खुदाया, तुझे मैं तो खुदा बनाया। तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले, मैं तो मत्था ना टेका था, तू रब कौन कहेगा। ये खुददारी है आशिक, वो आशिक जो मर मिटने के बाद भी वही कहता जो ये कह रहा है। निम कमली यार दी कमली, निम कमली यार दी कमली, निम कमली
ओनी मैं कमली सार की कमली नी मैं कमली नाम तेरा जपते नाम तेरा जपते नाम तेरा
निवासी भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु महाराज जी का, जिन्होंने थोड़े से ये पल हमको ऐसे दे दिए कि हम मना सके अपने महबूब के सामने, हम नाच सके अपनी खुशियां दिखा सके। आयो ते रौनक आईयां ने सी रब ते सिखा पक्की भाई जो ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है फेसबुक के माध्यम से, इसका समय 1 बजे तक रखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। रात्रि भी 2-3 घंटे कार्यक्रम लगातार लाइव करता रहा और संदीप जी के कवाली बजरंग नज़्मे और कलाम हम सबने बड़े ही उत्साह के साथ सुने हैं। अभी भी खन्ना जी और संदीप जी ने अनेकों नई प्रवृत्ति इस मंच के माध्यम से लगाई। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ और सभी संघ से, चाहे देश विदेश में कहीं भी फेसबुक के माध्यम से देख रही है, एक जय घोष करें, यहाँ बैठे हैं ये मत सोचे कि आप कहाँ विराजमान है, आप ये सोचे गुरु महाराज जी के चरणों में विराजमान है आप, दूरी समय विराज ये ऊंचे भाव पर रहते हुए सभी संघ जो यहाँ पर है या इंटरनेट के माध्यम से देख रही है सभी की एक आवाज जय घोष करेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रार्थना करने जा रहा हूँ श्री स्वामी जी महाराज की। मेरे बड़े लीड कहाँ लगे, वो क्यों नहीं लगाए नहीं पे हमें कोई मेरी लीड के वही लगा घूमन घूमो गई ओ सत्यम बोल में वना रूप एवं मलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जड़ते शेष सूर मुक्त शिवेदाम्बरेशोभितम मुक्तामालभूषितं च हृदये सिंहासने स्थितं भक्तानां वदनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगलयाकार जैसे वतनार होते हैं भक्त सागर से पार, गुरां जी के सिमरण मात्र से नाशित विघ्न अनंत तात सरंभ में ध्यावते हैं सब संग। अपने अपने हिरदे में सतगुरुदेव नगरी निवासी भगवान का पावन ध्यान करते हुए सभी जय घोष करेंगे, बोलो जयकारा गुरु शांति श्रीवासी भगवान। श्री गुरु महाराज जी के प्यारी संगत वासंतजन, आप सब निगली धाव में श्री गुरु महाराज के चरणों में सार प्रभु के सन्मुख बैठकर आनंद मना रहे हैं सार प्रभु के अवतरण का आनंद मना रहे हैं। 1972 में सबसे पहला जन्मदिन कैथल में मनाया, बड़ी मुश्किल से पहले वहाँ एक प्लाट खरीदा आश्रम के लिए, फिर उस प्लाट के खरीदने की खुशी में वहाँ पर थोड़ा सा सम्मेलन किया। हमें तो पता किसी को नहीं था, परंतु सार प्रभु के चरणों में भक्त जन प्रार्थना किया करते थे, महाराज जी आपके जन्म की कौन सी तिथि है, कौन सी डेट है, आप आज्ञा दें हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो हजूर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया करते थे।
जब कैथल का प्रार खरीदा और वहाँ प्रार खरीदने की खुशी में थोड़ा सा सत्संग सम्मेलन हुआ, तो फिर सम्मेलन के बाद पूछा, हजूर आप आज्ञा दें तो कैथल के इस आश्रम में आपका जन्मदिन मना लिया करें, तो डेट कौन सी है? हजूर कहने लगे, आपने इस डेट को तो मनाया है, यही तारीख है, दशहरे का दूसरा दिन एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। तो भेद खुल गया। उसके बाद फिर रामनवमी आई। रामनवमी पर कैथल के सभी भक्तों ने महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कैथल आश्रम में जन्मदिन मनाने की आज्ञा मांगी। तो भगवान भक्तों के बस में होते हैं, भक्तों के प्रेम के बस में होते हैं। तो हजूर ने परमिशन दे दी। तब 1972 में कैथल में महाराज जी का पहला जन्मदिन सभी संगतें दूर दूर से आई। मैं भी आया कानपुर से, मेरे साथ संगत आई। तो बड़े आनंद से हजूर ने जन्मदिन मन की आशीर्वाद देते हुए उन्होंने फरमाया, चलो जिस भाने भी गुरु महाराज जी का प्यार मिले, गुरु महाराज जी के गुण गाने का अवसर मिले, वही भाना अच्छा है। आप इस मेरे जन्मदिन के भाने गुरु महाराज जी के गुण गान कर रहे हैं, गुरु महाराज जी के प्रेम में मस्त हैं, चलो अच्छी बात है। अब नंगली दरबार में आप आए हैं, नंगली धाम में आप आए हैं, गंगा जाओ तो गंगा में नहा कर कहते हैं कि सारे पाप खत्म हो जाते हैं। नंगली धाम आओ तो जहां तो पाप आते ही नहीं, वो डर के मारे दूर रह जाते हैं, तुम्हारे साथ नहीं आते। चित्त निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, नंगली दरबार का वातावरण कैसा है ये तो गुरु महाराज ही जाने, पर नंगली गुरु महाराज जी को बहुत प्यारी है, ये गुरु महाराज जी के वाक्य है। और ये नंगली वही धरती है जो सप्त ऋषियों की तपोभूमि है। सप्त ऋषि कौन हुए? ब्रह्मा ने 7 ऋषि बनाए इस संसार के उत्पत्ति के लिए, पालन के लिए। उन्होंने तप किया, परिश्रम किया, तब किया। दिन धरती नंगली वही है। तो हम सब बड़े किस्मत वाले हैं, हाँ होंगे किस्मत वाले, तकदीर किसे कहते हैं? देखो लंबी चौड़ी इबारत लिख दो, पर जब तक उस पर साइन नहीं होते वो मान्य नहीं होती। सतगुरु को जिसके कर्म अच्छे लगे वो उस पर साइन कर देते हैं, ये मेरा है बस। तो इस बारे में आपको क्या बताया जाए? आप जिस रंग में, जिस मस्ती में,
जिस प्रेम में डूबे हुए हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं, इसके बाहर कुछ भी नहीं, आगे इसके कुछ भी नहीं। यही वो स्थान है कि जो रूह को चाहिए, कहते हैं ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, विज्ञान बहुत बड़ी चीज है, योग बहुत बड़ी चीज है, भक्ति ज्ञान वैराग विवेक ये बड़ी दौलतें हैं, पर इन सब की चटनी भी बना दो, सब मिल जाए, वो सब ठीका है। एक छोटी सी कथा सुना दूं, झगड़ा लंबा हो जाएगा। कबीर जी सत्संग प्रचार करते रहे थे। एक राजा की रानी बहुत श्रद्धा से कबीर जी के पास आई, हाथ जोड़े विनती करी, अपने कल्याण की बात पूछी। कबीर जी ने नाम दान किया, कहा नाम जपो। वे वैराग्यवान थी, नाम जपने लगी, जपती जपती तमाम योग की मंजिलों को तय किया। आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई तो वहां क्या देखा, वही कबीर जी बैठे हुए हैं और कोई भी नहीं। रास्ते में अनेक रंग थे और वहां कोई रंग मिला जो कबीर जी के पास। कबीर जी का प्यार, उनका ध्यान, उनके प्यार की मस्ती। जब सुरत नीचे आई, कबीर के चरणों में बैठकर कहने लगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि मैं ही वहां हूं जो यहां हूं। तो इतना परिश्रम मेरे से क्यों कराया। कबीर जी ने कहा, तू कब मानती है, अब तुमने स्वयं प्रयास करके सब कुछ देख लिया है। जिसको सतगुरु मिल गए, सतगुरु की सेवा मिल गई, उसके बाद वो कुछ और चाहता है, तो आप खुद ही सोच लो। आप विनती में एक लाइन पढ़ते हैं, भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और पशु नहीं चाहिए, निश दिन तुमरी से। अब ये निश दिन का क्या अर्थ हुआ, निशा निश रात को बोलते हैं, दिन दिन को बोलते हैं। अब बोलो कि दिन में तो सेवा करी गुरु महाराज जी की, चलो घर गुरु महाराज जी का, परिवार गुरु महाराज जी का, सब कुछ गुरु महाराज जी का, तन मन धन सब अर्प गुरु को मनिए पाइए, इसलिए मैं जो करता हूँ अपना कुछ नहीं है, सब सतगुरु का है, सतगुरु के चरणों में सेवा होगी। ये तो दिन हो गया, रात को कौन सी सेवा करते हो बताओ। एक बंदा रोटी खा रहा था, कहने भाई जल्दी आ, कहता मैं जब कर, मैं गुरु महाराज को भोजन करा रहा हूँ, खा रहा आप, कहते खुद खा रहा हूँ गुरु महाराज, क्या तुझे क्या पता, उन्हें नहीं खिला रहा, ये शरीर तो मैंने गुरुदेव को दे दिया है, अब इसको रोटी खिला रहा हूँ तो गुरुदेव की सेवा है, मेरा थोड़ा के। तन मन धन अर्प गुरु, अब निश क्या है, एक छोटा सा झगड़ा अर्जुन का और कृष्ण का लगा। अर्जुन ने बोला, निश की बात कहता हूं, निश सेवा कैसे,
है कृष्ण महाराज जी, ये बताओ कोई आपका सबसे प्यारा भक्त दिखाओ, मुझे सबसे प्यारा भक्त दिखाओ। तो अर्जुन में ये था कि सबसे प्यारा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ी मैंने कुर्बानी करी, मैं दिल रात इनके साथ रहता हूँ। तो जो मुझे कहेंगे कि तू ही प्यारा भक्त है, सुनने का शौक था। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बोल दिया कि जा फलाने गांव में एक जाट है, उसे जाके मिल ले, वो मेरा बहुत प्यारा भक्त है, मेरी बहुत भक्ति करता है, सेवा करता है। गया उसके घर, पूछा तो उसकी घरवाली कहने लगी थी वो तो खेत में गए हल जोतने के लिए, वो खेत में चला गया। बातचीत करी, उसने बोला आप जहाँ बैठो मैं अपना काम करता हूँ। सारा दिन खेत जोतता रहा, शाम को घर में आया, डंगर डोर बांधे, निहार वगैरह डाला, उनको खाया पिया, थोड़ी बहुत बातचीत करी, तो उसके बाद सो गया, आराम किया। सुबह उठा तो उसी धंधे लग गया, 8 दिन लगातार जो देखता रहा, देखूं ये कब भक्ति करता है। अब फिर पूछ लिया कि सारा दिन तुम आप खप खप दुनिया की मोह ममता में डूबे हुए, सारा बोझ ढोते रहते हैं संसार का, रात को सो जाते हैं, सुबह उठकर फिर वही करते हैं, अब भक्ति कब करते हैं भगवान। तो जाट कहता है जागे चोर भौके कुत्ता जनन ला समाधि सुता, जनन ला समाधि सुता। तो रात को कौन सी है, समाधि लगा सुता, सोया नहीं, वो अपने सदगुरु के ध्यान और प्रेम में मस्त हो गया। एक बंदा कहने लगा मुझे रात भर नींद नहीं आती, हाय हाय की बन। मैंने कहा तू सोचा करना, सराहना मेरे सिर में नहीं है, सतगुरु के गोद में मेरा सिर बैठा हुआ है, और उल्टी गिनती गिनते गिनते सो जाओ, भी मुझे बताना कहाँ तक गिनी थी, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 गिन उल्टी गिनती, उल्टा नाम जपे वो जग जाना, उल्टा। सतगुरु हमें पलटते हैं, जीव का जो स्वभाव है उसको पलटते हैं, अपनी ओर लगाते हैं। मैंने पूछा बता कहां तक गिरी थी, कहते पता नहीं, शुरू तो करी थी, कहां तक थी कुछ नहीं। जब ये संसार में ख्याल बिखर जाते हैं, संसार में अनेक रस अनेक रूप हैं, इन्हीं के संकल्प विकल्प को 84 का बीज कहते हैं, गुरुदेव हमें एक करते हैं, अपनी सेवा बख्शते हैं और प्रभु का नाम जपो, भजन और सेवा बस, ये हमें टीक ले आती है, हमारे ईश्वर के बीच में फैसला खत्म हो जाता है। तो निश को क्या सेवा करो, उसके ध्यान में मस्त हो जाओ, और कुछ भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो जहाँ बड़े अनंत में मस्ती ले रहे हो अच्छी बात है, ये अपार कृपा मेर है। इस समय क्या संसार की हालत है, पता नहीं क्या नाम कहते हैं, कोरोना, अब सब कोई नहीं करता, जो नहीं करना वो ना करो। मैंने एक दिन देखा था जब से कोरोना दरोना का नाम फैला हुआ है, और तब से मैं देखता हूँ कि सबकी आंखों में चमक है, सबकी सेहत ठीक है, किसी का वेट कम नहीं है, पूरे तंदुरुस्त हैं, क्योंकि मौत याद रहती है और गुरु महाराज का नाम भूलता ही नहीं। बस ना फालतू कमाना, ना फालतू खर्च करना, सब बढ़िया ठीक ठाक। हाँ तो पाप किसको कहते हैं, मुझे तो पता नहीं किसको कहते हैं,
पुण्य किसको कहते हैं हमें तुझे पता नहीं, पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है, और जिसे पता है ये पाप और पुण्य वो इससे झगड़ता नहीं, और झगड़ा कब समाप्त होगा ये पाप और पुण्य का पता नहीं कब होगा। हाँ बड़ी मुश्किल है। अरे सतगुरु सामने के सामने बैठा हुआ सदा उसे बात करता रहता है, वो बताता है हम सुनते नहीं। ये सतगुरु का ध्यान है कि वो मुझे सदा देख रहा है, तो सदा हमें देखता है, हम उसे नहीं देखते। बस जब ये पता चल जाए कि मैं सदा उसकी नजर के सामने है तो सदगुरु का हो गया। और हम किसी बड़े से पर्दा करके कुछ करते हैं तो बड़ा मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। पता आपको किसी ने आपके साथ आप बीच में किसी ने पर्दा किया, पर्दा करके कुछ कर रहा है, क्या आप पर्दा उठाओगे उसका, देखोगे पीट कर लोगे। जब हम ये समझते हैं कि हमें वो नहीं देख रहा तो वो भी पीट कर देता है हमारी तरफ। जब हर काम उसके सामने करते हैं तो बताओ सामने क्या होगा, देखना। इसीलिए अपनी इस बुद्धि को इस चित्त को सदा सतगुरु के ख्याल में और ज्यादा समझ कर कि वो चाहते क्या है ऐसा ना करो जो ऐसा वो नहीं चाहते। ये संबंध और रिश्ता है सतगुरु का, सतगुरु का हमारे साथ रिश्ता है ही, वो सदियों सदियों से बना हुआ है। कि जब हमें समझ आ जाएगी तो बात थी, लेना देना कुछ भी नहीं है। इसीलिए सदा नंगली में आते रहो, सदा याद बनती रही। अब आप आए हैं, आपको घर बार भूल गया, दुख सुख दुनिया का भूल गया, सतगुरु के प्रेम में के गीत गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, नाच रहे हैं। इसी प्रकार मुँह सदा नाचती ही रहती है अपने मालिक के साथ। सदा खुश रहो। मेरे आगे माइक रख देते हैं, कहना मुझे आता नहीं। आप सब खुश रहो, आनंद रहो। अब 1 बज गया, सबको भोजन कर लेना, थोड़ा बहुत विश्राम कर लेना। और भंडारी जी मुझे कह गए हैं सब लंगर खाना, लंगर खाना, लंगर खा के फिर जाना। इसलिए सब लंगर खाएं और फिर कितने बजे आ जाएं। देखो बात बताता हूँ, और वो सिटिंग बैठेगी तो फिर रुकना नहीं है हमें शाम तक। जब रात को कहोगे तभी जाएंगे, दूध दाध पी के जाएंगे, जैसे रात गए थे। तो कोई बात नहीं, आप 5 बजे तक जरूर आ जाना आराम करके। 1 के बाद 5 बजे के बीच में 4 घंटे होंगे, मस्ती लो, खूब आराम करो। 1 घंटा खाने पीने में, 2-3 घंटे मस्ती करो, आराम करो, और फिर आ जाओ। और 5 बजे से 10 बजे तक फिर आप इसी प्रकार गाँव बजाओ, नौचो और मौज करो। और कल सुबह जहाँ से नाश्ता करके भागते जाएंगे तपोवन में, वहाँ सैर करो, घूमो फिरो, भजन कीर्तन प्रोग्राम वहीं चलेगा तपोवन में। वहाँ 2 चीज़ें, एक तपोवन है, एक मानव सेवा केंद्र है। तो मानव सेवा केंद्र में वहाँ एक बड़ा हाल है, वहाँ आप बैठ के सत्संग सुनेंगे और खाए पिएंगे, मौज उड़ाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज सांचे दरबार। अब हमारे रवि जी कहेंगे। स्वामी जी महाराज की अमर महिमा का गुणगान कर रहे थे, और सच भी है महापुरुषों ने भी ये कहा, जिन राहों के सतगुरु के चरण लगे हैं उन राहों का सत्कार करो, नकली सुखदेव की प्यारी है उनकी नकली से प्यार करो। यहाँ मेरे पाल है बोलिया, यहाँ पाँव रखना नहीं रहा, यहाँ सबके बोल।
कितनी अकीदत, कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम स्वामी जी महाराज का संगत के प्रति कितना उभर आता है। कोई कह रहे हैं दिनेश जी की स्वामी जी खुद ही पीछे पीछे संगत के भक्तों के बस भगवाना महाराज जी का भजन बना हुआ है, भक्तों के बस भगवाना दर सात मुझे दिखाना कभी बहन भाई का नाना भूख के चरण दबाते हैं। तो माँ पुरुषों की क्या उनकी कथाएं हैं, वो कोई आचार बंधु तो जो वाणी है वो हो जाती है माँ पुरुषों की। तो दार्शनिकता जैसी सुनाई देनी है तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो फेसबुक है वो है साव शब्द मिशन धर्मानंदी। भाई प्रवीण सानी यहाँ बैठे हैं, किसी को भी अगर डाउनलोड करने में अप्लाई करने में दिक्कत है ये प्रवीण सानी जी मेरे साथ हैं, ये हमारे मिशन के प्रचारक भी हैं, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और ऑफिशियल मैसेंजर मैसेज देने के लिए हमारा टेलीग्राम है, 500 मेंबर लगभग उसमें जुड़ चुके हैं। और फेसबुक में भी स्वामी जी के आगे से जो ऑफिशियल फेसबुक बना उसमें भी 300 से क्रॉस हो गए हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो ये सब आपका प्यार है संगत का, जो भी इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं वो श्री प्रतिष्ठित सार शरद मिशन धर्मानंद फेसबुक पर लाइक करें और टेलीग्राम सार शरद मिशन धर्मानंद इसमें ज्वाइन करें, आपको सारे कार्यक्रमों की सूचना स्वामी जी के महाराज की लगातार मिलती रहेगी। हर सप्ताह स्वामी जी महाराज का लाइव सेशन होता है उसमें फेसबुक के माध्यम से, तो आप सभी जुड़े रहें, आपके चरणों में विनती है। और शाम की सीटिंग 5 बजे तक आप सभी यहाँ पर करोगे कार्यक्रम आरम्भ होगा। दिल्ली से भी परम पूज्य परम श्रद्धेय संत शब्दानंद जी भी आए हैं, उनका मिशन की ओर से स्वागत है चाय के साथ, तो उनको भी श्रेय दिया जाएगा। तो शाम की जो सीटिंग है वो 5 बजे आरम्भ होगी। तो इसी साथ ये कार्यक्रम जो लाइव है वो समाप्त होता है। और दूसरी सभा सेकंड शेड्यूल जो है आज की शाम के 5 बजे होगी, कल सुबह सीधा कार्यक्रम वहाँ पर होने है, 10 बजे वहाँ कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा और वो 1 बजे से चलेगा। कल का कार्यक्रम 10 बजे से लेकर के मैं गलती करने लगा हूँ, हमारे श्री निज शब्दानंद जी यहाँ रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर रात लगे रहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ प्रयास किया हुआ है। क्या लाइट एंड साउंड रेडियो शो म्यूजिक बैंड वो कहते हैं तपोवन में वो देखें, तो आप कौन कौन सी फिल्म वीडियो दिखाओगे उसके ऊपर हमें ये बताओ, पहले कौन सी तैयार कर रखी है, हैंड नहीं वाली तो जो पहले दिखाई है उनको ना दिखाना, नहीं दिखाना, महाराज जी की वीडियो दिखाओ तब हम देखेंगे, स्वामी पुरुषानंद की वीडियो दिखाओ वो देखेंगे, वो पुरानी पुरानी 1985 की 84 की जिसमें सभी महापुरुष हैं वो वाली दिखाओ, दिखाओगे? और मैं तो आपस में तैयारी करूँ तो वो तो जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है करीब 6:30 से 7:30 तक वहाँ अपनी अपनी गाड़ियाँ सबकी मोटरें हैं, मोटरों में 6:30 पहुँच जाओ और 1 घंटा वहाँ पर देख कर जहाँ आके 8 बजे प्रोग्राम शुरू कर लो, 8 बजे तो जब शाम को यहाँ फिर कितने बजे आप शुरू करो, आप यहाँ तो कार्यक्रम हम 8 बजे शुरू कर देंगे, संगत जितनी जल्दी आ सके मतलब पहले तो शुरू नहीं करना ना 8 बजे तो कोई नहीं, आज का प्रोग्राम यही है क्या, अब भोजन करो फिर गाड़ियों में बैठो तपोवन देखो घूमो फिरो और वहाँ से फिर वो प्रोग्राम देख के फिर आ जाए, और जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं मिशन की बहुत गाड़ियाँ हैं वो ले जाएंगी ले आएंगी ले जाएंगी ले आएंगी, ठीक है? आप दोनों तीनों गाड़ियाँ और भी बच्चे जहाँ रहेंगे तपोवन चले जाओ, तो जब आना होगा आप वहाँ से जहाँ आ जाना, तो आप भोजन विश्राम करके 4-5 बजे तपोवन में पहुँच जाओ, घूमो फिरो देखो, जब थोड़ा अंधेरा होना लगेगा फिर आपको वाटर स्टैंड के ऊपर दर्शन होंगे,
सार प्रभु के और जो भी फिल्म बनाएंगे याद में और मिल जाए 8 बजे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और लंगर खुला जमत जी खाओ बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज। उस पर बड़ी मेहनत होती है, साफ करना पड़ता, 4-6 दिन के लेबर लगा रखी है उसे, क्योंकि 6 महीने हुआ बंद पड़ा था लॉकडाउन के बाद, अब चालू किया। तो आज आप अभी लंगर खाओ तो तब बंद हो, वहाँ से फिर बंद होगा सुबह 7 बजे 7:30 बजे फिर जहाँ आपके प्रोग्राम में बैठो और जब भूख लगी तब लंगर में रोटी खाओ, कोई टाइम नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, सांची दरबार की नगरवासी भगवान की जय। और कल सुबह जहाँ नाश्ता करके फिर वहीं पहुँचे।